नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है क्रिएटिव जोन चैनल पे। तो आज हम आपको दिखाएंगे स्प्रेमैन कंपनी का बूम स्प्रेयर। भाई ये बूम स्प्रेयर है चार पिस्टनों वाला, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये आपने बहुत देखे हैं, अभी पंजाब में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और जो बड़े बड़े टायर आ रहे हैं ट्रैक्टरों में, इनके बारे में भी पूछते हैं सर से, ये क्या रेट के और कैसे मिल पाएंगे, आज सारी जानकारी लेंगे सर से। मुनीष सर जी हमारे साथ हैं आज, तो आज आपकी बातचीत करवाते हैं। एक नया गैजेट लगा हुआ जहाँ पे, इसके बारे में भी पूछते हैं सर, ये क्या चीज है। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार मेरे भारतवर्ष के किसान भाइयों। आज जैसा कि रोहित जी ने बात करी है, आज हम अपनी कुछ आपसे नए जो हमने गैजेट्स तैयार करे हैं, जैसे ये दो गन्ने हैं बैटरी से चल रहे, जिसकी बहुत डिमांड थी। पहले हम सिंगल गन लगाते थे, और ऐसे ही कई बंदे जो मेरे हैं बूम स्प्रेयर, तो मैं पिछले 8-10 साल से बेच रहा हूँ, जो कि ये टर्की का बना हुआ, हम लोग डायाफ्राम यूज करते हैं, और नोजल्स भी बड़ी शानदार है। आप देखोगे इसके अंदर हम प्रॉपरली जो ऑथेंटिकली क्वालिटी बनती है, जैसे वो सक्शन बेल्ट लगाते हैं, और ऐसे ही इसमें जो हमारा पंप है, इसके अंदर देखो बहुत से पंप देखे होंगे आपने, ऐसे फिल्टर को इसी में नहीं लगा होगा। इसमें पानी जब आप डालोगे, पहले तो वहां पे ये सक्शन फिल्टर लगा होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर ये वाला जो फिल्टर है, ये 3-4 जगह से फिल्टर होते हुए मेरे पंप को पानी मिलेगा। इसका आप बोलोगे कि इसका क्या फायदा, फायदे की बात है कि ये मेरा जो बूम स्प्रेयर है, इसके पीछे ऐसी 24 नोजलें लगी हुई हैं, जो कि ये 40 फुट का काफी हैवी बूम है, जिसके अंदर आप देख रहे हो 8 mm की मोटी, 10 mm की मोटी प्लेटें लगा के हम बनाते हैं। और एक तो ये नोजलें बंद नहीं होती जी। दूसरा आपका जो पंप है उसके वाल्व वगैरह चौक नहीं होते, और आपकी स्प्रे जो सुपर फाइन होती है। जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, मैंने बहुत से स्प्रेयर जो है, अभी आपने देखा होगा पूरे पंजाब हरियाणा में, तो महाराष्ट्र में, और आपका MP में सैकड़े जो स्प्रे मैन के ऐसे बूम स्प्रेयर आपको मिल जाएंगे। हरियाणा में बात करूं, जींद, रोहतक, नरवाना, उचाना, उकलाना, टोहाना, सफीदो, इधर कुरुक्षेत्र, अंबाला, पूरी बेल्ट में लोगों को पता है कि ये क्या चीज है। और पंजाब में, पूरे पंजाब में आप लोग लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर, दसूआ, और इधर पटियाला, सारा नॉर्थ इंडिया जो पूरा है मेरे स्प्रेयर के बारे में जानता है। तो सर जी इसकी खासियत बताइए, क्या चीज है इसमें ऐसे, इसमें इतने पंप जे चल रहे हैं। देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा नॉर्मली जो 15-16 हजार रुपए का, जिसको लोग कीड़ा बोलते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड, उसके अंदर भी अगर आप पंप की चीज देखोगे, जब बूम लगा होता है तो ऐसा ही डायाफ्राम पंप लगा रहता है। ये डायाफ्राम पंप हम टर्की से इम्पोर्ट करते हैं, और पिछले 8-10 साल से इसी कंपनी का, जो अग्रोश कंपनी का, हम लोग ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर जीरो मेंटेनेंस है, और जीरो ही जो है क्वालिटी के अंदर कोई इशू है। तो मैं अब अगर बात करूँ, हजारों पीस हमारे जो चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हमें 1% इसकी दिक्कत नहीं है जी। ये रोज जी ऐसा है, ये कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर मींस जैसे हमने ये पंप ने सप्लाई दी, एक तो जैसे हमारे HTP पंप होते हैं, सीधी गन उठाई ऐसे स्प्रे कर दी, बट पंप यहाँ से दे रहा है सप्लाई इसको कंट्रोलर को, कंट्रोलर से हमने आगे 3 सप्लाइयां बना ली, 3 सप्लाइयों में से 2 सप्लाई जो है मेरे बूम को चली जाती है, आधा बूम इधर का बंद करना है, आधा बूम इधर का बंद करना है, बड़े इजी तरीके से आप बंद कर लोगे। और तीसरी जो है हमने इसको सक्शन, जैसे हमने अपने टैंक को फिल करना है, और ये पंप ऑटोमेटिक जी जी जी, ये खाली आपने एक ये वाला अडाप्टर यहाँ पे लगाना है, इसको निकाल के मैं आपको इसकी असेंबली वीडियो भी इसी पे बोलूंगा रोहित जी, आपको डाल देंगे, बीच में छोटी सी है हमने बनाई हुई, तो वो लगाकर इसके अंदर पानी भर लो आप। अब इसी में सक्शन हो गया, इसी में आपका जो बूम हो गया। अब बहुत से फार्मर मेरे को कहते हैं कि हमको जैसे पैडी हो जाती है, या बहुत से पेड़ों के ऊपर स्प्रे करनी है, तो मेरे को गन चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, ये वाला बूम यहाँ से 4 नट खोल के खोल दो, और यहाँ पे ये 4 नट ये हमने डिटैचेबल करा हुआ है, सारा प्रोग्राम इतना इजी करा हुआ है कि आप अपना खुद ही कर लोगे। ये नट खोल के इस जगह पे आप रील लगा लोगे, रील लगा के रोलर भी रोलर लग जाएगा, आप उससे गन लगा के स्प्रे कर लोगे,
और आपको आजकल जैसे आलूओं का सीजन चल रहा है, बहुत से मेरे फार्मर हैं कि हमारे खेत में खंबे हैं, बूम सही नहीं चलता, तो आप हमें जो है वो ऐसा सिस्टम बना दो जो इजी भी हो। तो हमने ये ऑटोमेटिकली पहले गन बनाते थे, अभी दो गन वाला सिस्टम बना दिया। जैसे देखो ये तो हमने आपको ऑप्शन दिखाने के लिए, ये तार जो है ट्रैक्टर की बैटरी पे लग जाती है, इसको आप ऐसे बटन दबाओगे तो ये ऐसे नोजल है, इसमें आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो ये नोजल, जिधर भी आप इसको भी जिधर भी आप इसको एडजस्ट करोगे वहीं पे इसका सर्कल एडजस्ट हो जाता है। आपने इसको थोड़ा सा ऐसे टच करना है तो ये क्या है कि एक बहुत ही इजी और बहुत ही प्रॉपर तरीके की जो है स्प्रे करता है, बड़ी शानदार मेरे जो बूम स्प्रेयर से ये स्प्रे होती है। तो देख सकते हो किसान भैया, किसी भाई ने ऐसे गन लगा के भी स्प्रे करनी है वो भी हो जाता है। जी सर, कितना एरिया कवर कर ले? ये लगभग आप मान लो 30 फुट इधर को और 30 फुट उधर को, लगभग लगभग 60 से 70 फुट जो एरिया ये मेरी दोनों गन कवर कर लेती है। गन के अंदर अगर हम बात करें, देखो इसके अंदर जो नोजल वगैरह लगी हुई है वो सारी सेरामिक टिप लगी हुई है, और एक कोशिश करी है कि हम लोग आपको नॉमिनल प्राइस के अंदर बेस्ट क्वालिटी दे दें। तो देख सकते हो किसान भाई, उससे आप बूम से नहीं करना चाहते तो गन लग जाते हैं, गन नहीं लगाना चाहते तो ऐसे रोलर लग जाता है, पाइप लगा सकते हो। तो जो आपका बूम स्प्रेयर है, इसका जो बूम है वो कितना फिट है? ये रोजी बूम हमारा पूरा खुल के 40 फुट हो जाता है। अभी हम आपको कुछ हमारे पास डेमो वीडियोस पड़ी हैं, वो भी अटैच करके दिखाएंगे कैसे ओपन होता है। और अगर मैं इसकी जमीन के ऊपर कवरिंग की बात करूं तो ये लगभग 50 फुट का एरिया बड़े आसान तरीके से ले लेता है, जिसमें अगर आपको और भी चाहिए तो हम लोगों ने कुछ नोजल जैसी बना रखी है। ये जो एंड कैप खोल लोगे यहाँ पे हमारी नोजल टैच हो जाती है, तो यही बूम जो है 65-70 फुट एरिया भी कवर कर लेता है। देख सकते हो किसान भाई, 65-70 फुट एरिया ये बूम स्प्रेयर कवर कर लेता है, तो देखने में भी काफी हैवी है। और जो इसकी टैंकी है, टैंकी का क्या मटेरियल काफी देख रहे हो? टैंकी के अंदर हम लोग हाई क्वालिटी फाइबर ग्लास प्लास्टिक यूज करते हैं जी, जो कि जैसे आप किश्तियों में सवारी करते हो तो उनके जहाजों के नीचे का जो पैंदा बना होता है इसी मटेरियल से बना होता है। टैंक की क्वालिटी बहुत सुपर है, पंप की क्वालिटी बहुत सुपर है, नोजल की क्वालिटी बहुत सुपर है। अब ये जो गन बनाई है ये भी एकदम मजेदार है, और जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने पंप बनाया है। अब मेरा किसान भाई खेत में स्प्रे कर रहा है, उसके हाथ पेस्टिसाइड से है या मिट्टी से हुआ है, तो हमने एक ये छोटा सा 5 लीटर का जो है टैंक लगा रखा है जिसमें साफ पानी होगा, आप हाथ भी धो सकते हो तो बड़े आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। किसान का कितना फायदा सोचते हैं? ये सारी चीजें आपको जो मार्केट में मिलेंगी वो 3-3.5 लाख के स्प्रेयर के अंदर मिलेंगी। हमने मात्र और मात्र कोई 3 लाख नहीं, कोई 1.5 लाख नहीं, इसकी कॉस्ट जो है बड़ी ही आपके पॉकेट के अंदर रखी हुई है। तो फिर किसान भाई रेट भी हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ी सी जानकारी और ले ले सकते हैं इसके बारे में जी। तो सर जी, आपने चलो बूम के बारे में बताया, टायर खड़े हैं आज काफी चल रहे हैं, ये बड़े बड़े ट्रैक्टरों पे लगा रहे हैं जी, तो इनके बारे में थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को बताएं। देखो किसान भाइयों, हम लोग इस टायरों को पिछले 8-9 महीने से बहुत बेच रहे हैं और हजारों के हिसाब से बेच दिए हैं। आज से पहले, मेरे से पहले ये टायर जो है मेरे किसान भाई को 1.5 लाख रुपए के अंदर मिल रहे थे, जिसको कि मैंने जब इसको रेट इनको फार्मर को दिया तो उसमें सारी मार्केट में हलचल मच गई है। हम लोग मात्र इसको 1 लाख रुपए के अंदर चारों टायर, 2 आगे के और 2 पीछे के, तो किसान भाइयों कितना बड़ा टायर है मेरी हाइट से जी, बड़ा टायर जी जी। इससे देख सकते हो, अगर किसी अपने दान वगैरह में स्प्रे करनी है या किसी इसी क्रॉप पे करनी है तो इन टायर लगा देखो, इससे इन टायरों का मल्टीपल यूज है। जैसे मेरा बूम स्प्रेयर तो लगेगा, अब मेरे किसान भाई जैसे पैडी के एरिया में यूरिया जो स्प्रेडर है वो ले लेते हैं, तो वो यूरिया वाला मेरे पास बहुत सी वीडियो आई हुई है टायरों के साथ, मैं बोलूंगा आपको कि आप वो भी वीडियो किसी मेरे फार्मर को दिखाएंगे कैसे, मतलब हमने आपके साथ फिक्स कोई नहीं करा है। लोग जो है 6-7 लाख रुपया लगा देते हैं, उसका एक प्रोडक्ट के ऊपर अमाउंट जो फिक्स लग जाती है वो किसी तो काम के लिए। सर एक ऐसा तो नहीं है कि आप ये बूम स्प्रे लगा के टायर लगा के ये ट्रैक्टर एक पक्का ही रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये टायर जो है स्टिपनी की तरह खुल जाते हैं। आपको जिस टाइम पे स्प्रे की और यूरिया स्प्रेड की जब कोई भी इन टायरों की जरूरत है उस टाइम ये टायर लगाइए, उसके बाद टायर खोल के रख दीजिए और आप नॉर्मल जैसे ट्रैक्टर है उस पे लगा के चलाइए। तो देख सकते हो किसान भाइयों, आपका किसी भी ट्रैक्टर पे ये टायर भी फिट हो जाएंगे और आपका जो बूम भी फिट हो जाएगा।
तो सर जी कितने ट्रैक्टर इस बूम को चला? इसके अंदर आपको 35 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए, जो कि जिसकी लिफ्ट की वेयरिंग कैपेसिटी वो है लगभग 1 टन के करीब, वो 1000 kg का वजन जो उसकी लिफ्ट उठा ले। बाकी मेरा जो ये डायाफ्राम है इसके लिए बहुत बड़ी पावर की जरूरत नहीं है, ये तो 35 हॉर्स पावर का या 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी बड़े आराम से इसको चला देता है। सर जी आपने इसके बारे में बताया, तो इसके मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसमें कितने mm की जो आपने प्लेट लगाई हुई है, इसको बनाया गया पाइप की कैसी लगाई हुई है, कौन सा मटेरियल यूज किया है? देखो रोहित जी, ये क्वेश्चन नॉर्मली मेरा फार्मर करता नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। अब देखो जो हम लोग जो है ये लगभग 9-10 mm मोटी प्लेटें जो लगाते हैं जी, यहाँ पे लोहे की जरूरत है, अगर आप बोम के अंदर जाओगे तो वो भी इतना ही मोटा है। और अगर इसकी पाइप की बात करें तो ये सारा पाइप हम लोग ISI ब्रांड के अंदर लेते हैं, जो ISI क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, जॉइंटलेस हो, और वो टोटली क्वालिटी के अंदर ये जितनी वेल्डिंग वगैरह हम करते हैं ये सारी मिग वेल्डिंग से होती है, नॉर्मल वेल्डिंग नहीं करते जो करे वाली होती है। और अगर बात करें हम इसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ की, तो ये खाली बूम का जो पाइप लगा हुआ है इसका वजन 65 से 70 किलो है। अब बिल्कुल खाली इसी का वजन है, और बाकी तो आप सोच सकते हो कि हमने जो टैंक है वो रहे वो हर चीज के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। तो काफी ज्यादा हैवी मटेरियल जी 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 जी, अगर ओनली 70 किलो का बूम है किसान भाई देख सकते हो। तो सर जी इसका जो पेंट वगैरह किया है वो कौन सा करते हैं? ये सारा पाउडर कोटिंग पेंट यूज करते हैं हम लोग। देखो लोहा है, लोहे के अंदर अगर पेंट की तरफ ना ध्यान दिया जाए तो जितना मर्जी हैवी लगा लें फिर भी अगर पेंट उतर गया तो उसके बाद उसको रस्ट लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए उसके ऊपर तो हम काफी ध्यान देते हैं। तो सर जी अभी आपने सारी इसके बारे में जानकारी दी, टायरों के बारे में जानकारी, तो अभी मेरे किसान भाई रेट जानना चाहते हैं। देखो किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं हमारे पिछले रेटों के बारे में तो आज के बारे में मेरे किसान भाइयों इसका रेट लगभग 1.5 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि जब से मैंने ये बेचना शुरू करा है डॉलर का रेट 40 रुपये था, आज की डेट में डॉलर 85 रुपये हो गया है। तो ये चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, कुछ उन चीज़ों की करेंसी भी बढ़ी है, उनका रेट भी बढ़ा है, तो बट हमने इन सारी चीज़ों को आपकी कॉस्ट के अंदर लाते हुए आपको कोई 1.5 लाख नहीं है, कोई 2 लाख नहीं है। जो भी मेरा किसान भाई है बूम स्प्रेयर और टायर ये इकट्ठा लेना चाहे तो हम उसको 1,15,000 के अंदर ये बूम देने वाले हैं, और ये टायर जो है वो मात्र 1 लाख रुपये में पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी मेरा किसान भाई मात्र 1 लाख जी जी चारों टायर जी 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 चारों टायर एक बिल्कुल 4 टायर 2 टायर ये वाले होंगे, 2 टायर ये वाले होंगे, और बूम स्प्रेयर के अंदर ये पूरी एक्सेसरी होगी। और कोई अगर मेरा किसान भाई बूम नहीं लेना चाहता तो उसको ये नोजले चाहिए तो मैं उसको ये मात्र 1,10,000 में पूरे भारतवर्ष में बूम की जगह पे नोजले लगा कर दे दूंगा। और बहुत से मेरे किसान भाई होते हैं कि हमें बूम नहीं चाहिए, हमें रील चाहिए, उसके ऊपर 200 मीटर पाइप चाहिए, तो 1,15,000 के अंदर बूम की जगह पे आप रील पाइप और गन भी ले सकते हो। तो देख सकते हो किसान भाई, अगर आपको बूम नहीं चाहिए तो आप रोलर भी ले सकते हो, इसके साथ 200 मीटर पाइप भी देंगे, जो पाइप भी देंगे हम यासुन की मेड इन कोरिया देंगे। देखिए क्वालिटी में तो सर बढ़िया चीज जी 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 जी, ऐसी क्वालिटी आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी जी। तो इतना कम रेट रखा है हमने, बिल्कुल मार्केट में तो कोई दे ही नहीं पाता इतने। दूसरी पूरे भारतवर्ष के किसान भाई मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पे, एक बार मैं फिर पूछना चाहता हूँ, 1 लाख की डर बिल्कुल जी, डेढ़ से पौने 2 लाख की वो चीजें भूल जाओ भाई साहब, हम लोग 1 लाख के ही देंगे आपको, और पिछले 7-8 महीने से मेरे किसानों को दे रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। MP में हम चले जाए बदीशा सिवनी, यहाँ पे मेरे हजारों टायर चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं। तो आप सोचिए ना, विचारिए ना, नीचे दिए नंबरों पे कॉल करिए, ज्यादा ज्यादा इसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, और मेरे एग्जीक्यूटिव से पूरी नॉलेज लेने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो 10% पेमेंट हमें पहले डालिए, बाकी की पेमेंट आपके पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी मंगवाओगे वहाँ पे पहुँचने पे हम लोग लेते हैं। तो इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।